हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनसर नाम का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर सेकंड है, आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो बेटा, ये जो चैप्टर है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सो उसके जो क्या जो विचार थे और जो क्या जो मेन जो आदर्श थे जिनके अकॉर्डिंग टू हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो डिफरेंट जो कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे लेकर हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है। मीन्स अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट जो कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे से उनके जो बेस जो पॉइंट्स थे, बेस जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज थे जो उनको हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो इस जो चैप्टर्स में हमें क्या स्टडी करना है, वो क्या जो पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर स्टडी करना है, सो की जो पॉइंट्स है जो की फीचर्स ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आपका जो प्रैम्बल्स आते हैं, देन हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टडी करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। साथ ही साथ जो फेडरल जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स, मीन्स हमारा जो गवर्नमेंट का जो एक जो फेडरल जो स्ट्रक्चर जो बनता है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट में हम जो देखेंगे हमारा जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट्स है, मीन्स जो एक जो डेमोक्रेटिक जो हमारा डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है सो वहाँ पर हम जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म्स है वो एडॉप्ट किया गया है, तो उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम जो चैप्टर आपका जो देखें तो आपका जो आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन किया गया तो उससे रिलेटेड वो क्या आइडियाज थे, देन वो क्या आइडियल्स मीन्स जो आदर्श क्या का जो फॉलो किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एक स्टार्टिंग हुआ था नाउ योर फैक्ट्स में बताया गया है कि जो कैसे जो गांधी जी की क्या जो व्यूज थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, और जो हम वो क्या कंट्री किस रूप में चाहते थे जहाँ पर सभी जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल मीन्स जो नीचे लेवल के जो पीपल्स हैं, जो लोकल जो पीपल्स हैं, जो उस टाइम पीरियड्स में जो जिसको दलित कहा जाता था, सो उनके लिए भी एक जो बेहतर जो कंट्री है उसका फॉर्मेशन हो, एक बेहतर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किया जाए। सो यहां पर इन इंडिया एज यू नो वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। अंडर ब्रिटिश रूल्स वी वेयर कंपाइल्ड टू अबे लॉज दैट फेवर्ड आवर रूलर्स एंड नॉट अस। मीन्स हमें पता है, आप हिस्ट्री में स्टडी किए हैं कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो उनके वोन के फेवर में, मीन्स वो अपने फायदे के लिए या फिर वहाँ पर जो लोकल जो रूलर्स होते थे, जो जमींदार होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, उनके फेवर में जो डिफरेंट जो पॉलिसीज है वो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था, बिल्ड किया गया था। चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल की पॉलिसीज की हम बात करें, महलवारी सिस्टम ने आपने रोटवारी जो सिस्टम देखा, या फिर और जो अदर जो लॉज आए वो सभी जो है ब्रिटिश के क्या थे, फेवर में थे। जो यहाँ के जो इंडियन जो पीपल्स थे, यहाँ के जो लोकल जो पीपल्स थे, उनके लिए ब्रिटिश के द्वारा कुछ नहीं किया गया। सो हेंस इन 1946 अ ग्रुप ऑफ सम ऑफ द विसर्स थिंकर्स ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुज मेन पर्पस वाज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। मीन्स इससे रिलेटेड आप हिस्ट्री का जो आपका जो चैप्टर इंडिपेंडेंस वाले जो चैप्टर आएगा इंडिया में का, उस वाले जो चैप्टर से वहाँ पर आप बेहतर तरीके से और ही स्टडी कर पाएंगे इसको, कि जो उस टाइम पीरियड्स में जो इंडिया की जो स्थिति जो है फ्रीडम स्ट्रगल से क्या था,
1946 की बात है, जब इंडिया को जो क्या दिन मिलने वाला था, इंडिपेंडेंट डे आने वाला था। इंडिया के जो उस टाइम पीरियड के जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, वो इकट्ठा हुए और एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली, मीन्स हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हो रहा है। हमारा खुद का अपना क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से अपना जो संविधान होना चाहिए। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबलीज है उसका फॉर्मेशन किया गया था। हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसके जो मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो इसमें अडॉप्ट हुए, क्या हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। और जो मुस्लिम जो लीग थे इससे क्या हो गए थे, अलग हो गए। इसके बारे में ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर था वहां पर आप और बेहतर स्टडी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उस पर आप करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबलीज थी, मीन्स एक जो संविधान निर्मात्री जो समिति बनाई गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे जो मेन एम था कि वो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन करेगा। यहां पर दे हैड अ ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कीपिंग इन माइंड्स द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द वेरियस एथिक्स, रिलीजियस, इंडिजिनियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल ग्रुप्स दैट मेड अप इंडिया। देयर वॉज ऑल्सो द स्ट्रगल होल्ड ऑफ कास्ट एंड कंट्रीज ऑफ जनरेशन डिस्क्रिमिनेशन टू बी कॉन्सिडर्ड। मीन्स यहाँ पर हम हमारे यहाँ कंट्री की हम बात करें बेटा, तो बेसिकली क्या था, डिफरेंट जो लैंग्विस्टिक मीन्स डाइवर्सिटी है हमारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है, चाहे वो लैंग्विस्टिक भाषा के आधार पर, रिलीजियस हो, कास्ट रिलेटेड हो, या फिर आपके जो डिफरेंट जो रंग से रिलेटेड हो, हमको बहुत ज्यादा डिफरेंट क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, हमें नजर आता है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी जो विभिन्नता है वो हमें देखने को मिलता है। इसके कारण से जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे उनके सामने जो चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा थे। उनको इन सभी को जो यूनिटी में, मीन्स डाइवर्सिटी को जो हमें क्या करना है, यूनिटी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मेशन किया जाए जो सभी के वेलफेयर के लिए हो। विथ ग्रेट फॉरसाइट्स एंड विजडम द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड अ रिमार्केबल डॉक्यूमेंट विच वॉज फुल ऑफ आइडियाज, आइडियल्स एंड वॉज येट प्रैक्टिकल्स। मीन्स अब जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इतने ज्यादा आदर्शों को फॉलो किए और एक बेहतर ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन किए जो एक आदर्श के रूप में और अदर जो डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके लिए भी हो, साथ ही साथ यहाँ के जो पीपल्स है उनके लिए भी एक आइडियल्स के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किया गया। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है डॉक्टर अंबेडकर है, वो मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मीटिंग है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो क्या थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ये जो है आपका राजेंद्र प्रसाद जो दिखाई दे रहा है, उसके जो साथ ही साथ और जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं इमेज में। अब जो हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो की फीचर्स की बात करें, है ना। हमें क्या जो की जो फीचर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो, आपको नीचे में, या फिर आपको जो की फीचर्स यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो आपका आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इंडिया जो है आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वो है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। देन यहाँ पर जो की फीचर्स है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, यहाँ जो इंडियन जो सिटीजन है उनको क्या प्रोवाइड किया गया, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मीन्स जो की फीचर्स में हमने जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या जो चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, स्टेट पॉलिसीज में जो इससे रिलेटेड हम आगे डील करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म है, सेक्युलरिज्म ये भी यहाँ पर फॉलो किया गया है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, मीन्स यहाँ पर स्वतंत्र और एक जो एक ढांचागत रूप में, एक जो स्ट्रक्चर के रूप में हमें जो जुडिशरी है वो देखने को मिलता है। देन फेडरलिज्म, देन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो की जो फीचर्स है, कुछ जो मुख्य जो विशेषताएं हैं हमारी जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाई देता है। वर्ल्ड के जो कई ऐसे जो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर ये जो मेन जो फीचर्स हैं, कई जो की फीचर्स है वो मिसिंग हमें नजर आते हैं। की फीचर्स के फर्स्ट की बात करें तो आपका प्रीएम्बल, इंडिया का जो प्रीएम्बल है जो उसका जो मेन जो उसको कहा जाता है मिरर, जो हमारे जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के मिरर के रूप में हम किसे जानते हैं, इंडिया का जो ये जो प्रीएम्बल है ये हमारा जो प्रीएम्बल है जिसे हम उसका जो प्रस्तावना के रूप में जानते हैं, किसका, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रस्तावना के रूप में हम इसको जानते हैं प्रीएम्बल, जो हमारे जो इंडियन जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा जो रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 448 आर्टिकल्स और आपके 12 जो शेड्यूल्स हैं। सो ये एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उतने सारे जो हमारा जो बड़ा बुक बिग बुक है, एक रिटर्न जो फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है, लार्जेस्ट जो फॉर्म्स है। सो उसका जो मेन जो फोकस क्या है, जो इनर पार्ट में जो हम बुक्स क्या करते हैं परचेज करते हैं, आप उसको रीड करना है तो हमें कंटेंट दिया जाता है और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या इसके जो इनर पार्ट्स में क्या जो चीजें हैं। तो एक दर्पण के रूप में, मिरर के रूप में, आईना के रूप में जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हमें सामने प्रस्तुत करता है। सो प्रीएम्बल में फर्स्ट जो पॉइंट आता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद प्रीफेस और इंट्रोडक्शन कॉल द प्रीएम्बल, इट हाईलाइट्स द गोल एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल्स। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि जो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसे हम प्रीएम्बल के रूप में जानते हैं, प्रस्तावना को। देन ये जो इंडियन जो पीपल्स के जो उसके जो गोल है, उनके जो एस्पिरेशन है, उनको वो हाईलाइट करता है। देन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट, हमारा जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वो हमें क्या डिक्लेयर करता है, क्या हमें दिखाता है, बताता है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनी रिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, सोशल जस्टिस, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस या फिर पॉलिटिकल जस्टिस, देन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, फैथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। मीन्स ये जो कंप्लीट जो प्रीएम्बल है, इससे हमारा जो इनर जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशंस का, साथ ही साथ हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू इंडिया का जो फ्यूचर है वो यहाँ से हमें नजर आता है। यहाँ पर जस्टिस है सभी के लिए, चाहे वो सोशली, सामाजिक या फिर जो राजनीतिक या फिर आर्थिक रूप से हो, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है सबको, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, उसके जो बिलीफ्स हैं, फैक्ट्स है, वार्शिप है, उस पर उनको स्वतंत्रता प्रोवाइड किया गया। इक्वलिटीज, सभी को समानता है, चाहे वो इक्वल जो स्टेटस की बात है या फिर जो अपॉर्चुनिटी, जो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको अवसर जो मिलने चाहिए, वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी को इक्वली प्रोवाइड किया गया है। देन फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुत्व, सभी में जो एकता की जो भावना, यूनिटी होनी चाहिए, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें नजर आता है। और जो प्रीएम्बल है वो हमें यही बताने का प्रयास करता है। ये जो है आपका जो इमेज दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो उसका जो प्रीएम्बल है, उस ये एक्चुअल जो रूप है उसका एक जो इमेज है यहाँ पर आपके सामने सो है। देन नेक्स्ट जो हम आपका पॉइंट्स देखते हैं, बेटा नेक्स्ट जो डिस्कस करें हम, सो वो है आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो डिफरेंट जो क्या दिए बताए गए हैं, डिफरेंट जो मीनिंग्स हमें बताए गए हैं, सो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एक जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग निकलता है। सो स्वराज्य की हम बात करें, सो इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट, मीन्स अब इंडिया है, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और इंडिया है अब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स इट इज नो लॉन्गर गवर्न बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटीज एंड इज इट्स ओन मास्टर, मीन्स कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी जो है इंडिया में शासन नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रन करेगा। अभी यहाँ के जो इंडिया, वो अपना, यहाँ के जो पीपल्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वही यहाँ पर शासन करेंगे, वही जो है गवर्नमेंट रन करेंगे। देन सोशलिस्टिक, समाजवाद, समाजीकरण की बात करती है,
एवरीवन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सोशलिस्टिक जो है, जो सोशलिस्ट की हम बात करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है किसी भी जो कंट्री के जो रिसोर्सेज की बात करें, सो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो कंट्रीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए कोई जो है छोटा बड़ा नहीं, किसी को कम ज्यादा कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। काहे के लिए, टू मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, सभी के लिए इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल है। देन सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। मीन्स यहां पर किसी भी जो हमारा जो कंट्री है उसका एक जो पर्टिकुलर कोई रिलीजन्स नहीं है। यहां पर हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया में जितने भी जो रिलीजन्स है, जितने भी धर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू सभी जो है क्या है, इक्वल है। देन कोई भी जो पर्सन है किसी भी जो रिलीजन्स को वो क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। हमारे जो कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन्स, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे जहां आप देखते हैं कि जो जो हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट जो रन करते हैं, उनको हम ही क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स जो मिला हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मींस हमारे यहाँ जो 18 इयर्स के जो जितने भी जो एडल्ट हैं उनको वोटिंग राइट्स दिया गया है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ डेमोक्रेटिक में जो लोकतांत्रिक कंट्री है हमारा इंडिया। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ इंडियन स्टेट विल बी इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस एंड विल नॉट बी अ हेरेडिटरी रूलर्स। मीन्स यहां पर क्या आता है कि जो हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है रेगुलर जो है, एक जो फिक्स जो टर्म्स है, हमारे यहाँ जो जनरल जो इलेक्शन है यहाँ जो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स में, मीन्स 5 ईयर्स का जो टर्म्स होता है, उसके लिए हम जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो गवर्नमेंट है, उनको हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट करते हैं। बट कई ऐसे जो कंट्रीज है जहां पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, वहां पर क्या होता है कि एक बार जो रूलर यहाँ पर इलेक्ट हो गए तो वो कंटिन्यू बने रहते हैं। यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप में हम बात करते हैं तो वहां पर तो इलेक्शन ही नहीं होता है। बट इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें क्लियरली डिसाइड किया गया है कि जो फिक्स टर्म्स के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका इलेक्शन किया जाएगा। देन नेक्स्ट जो आता है आपका जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय की हम बात करते हैं। सो द गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीपल थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस लाइक द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर द सोशली चैलेंज। मीन्स सभी के साथ न्याय हो और जो लोकल जो पीपल, जो पिछड़े हुए जो जाति वाले हैं, जो वीकर जो सेक्शंस है जो सोसाइटी में, जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसे उनके साथ न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। कुछ स्पेशल जो प्रोविजन उनके साथ किए गए हैं ताकि वो भी जो अदर जो पीपल्स हैं उनके लेवल में आ सके। सो ये भी जो चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। देन लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स द सिटीजन ऑफ इंडिया आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ओपनली, फॉलो एनी रिलीजन्स एंड टेक ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर च्वाइसेस। मीन्स जो इंडियन जो सिटीजन है उनके लिबर्टी है, वो पूरी तरीके से आजाद है, स्वतंत्र है कि वो कोई भी जो प्रोफेशन है, कोई भी जो काम है वो च्वाइस कर सकता है, अपने जो व्यूज हैं, अपने जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो किसी भी मीन से, कोई भी जो माध्यम है उसके थ्रू, चाहे वो कोई भी जो रिलीजन है उसको वो फॉलो कर सकता है, कोई ऑक्यूपेशन च्वाइस कर सकता है, किसी भी तरीके से वो उस पर प्रेशर, हम प्रेशराइज जो है गवर्नमेंट के द्वारा है या फिर किसी पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका लिबर्टी। देन इक्वेलिटीज मीन समानता की हम बात कर रहे हैं। ऑल सिटीजन आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर डीम्ड इलीगल एंड देयरफॉर पनिशेबल बाय लॉज। मीन्स हमारे यहाँ कंट्री में क्या है, इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया है। मीन्स सभी जो है कंट्री के जो जितने भी जो पीपल्स है वो क्या है, इक्वल है। किसी भी प्रकार से उस पर डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, या फिर जो उनके जो
इकोनॉमिक जो लेवल है उससे रिलेटेड कोई भी जो इनइक्वालिटीज है उनके साथ असमानता जो है नहीं किया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बिल्कुल भी ये जो चीजें पूरी तरीके से बैन है। बहुत सारे जो एक्ट है, लॉज है, वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन आपका फ्रेटर्निटीज की बात करते हैं। टू प्रिजर्व द यूनिटी एंड वननेस ऑफ इंडिया, इट इज नेसेसरी टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस अमंग द पीपल्स। मींस हम बात करें, हम जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल्स की बात करते हैं, सो बेसिकली यहाँ पर फ्रेटर्निटीज की बात है, बंधुत्व मींस सभी को जो एक हमारे कंट्री को में एकता चाहिए, हमें सब आपस में एक साथ मिलकर रहे, तो उसके लिए क्या है फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुडनेस है, भाईचारा, आपसी जो भाईचारा है, एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने, ये जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही जो है हमारी पूरी कंट्री को, यूनिटी को, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको हमारे यूनिटी में कन्वर्ट करता है, हमारे यूनिकनेस में वो कन्वर्ट करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रेम्बल है, वो हमें ये सब चीजें दिखाता है, शो करता है। सो ये हमने अंडरस्टैंड किया किसको, प्रेम्बल का। कुछ डाउट्स होगा बेटा तो इससे रिलेटेड आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मीन्स जो स्टेट्स है, हमारी जो कंट्री है, उसको जो डायरेक्ट करने के लिए कैसे जो बेहतर तरीके से रन किया जाए, तो उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो स्पेशल जो सिस्टम, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया, जिसे कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वेल अवेयर ऑफ द रुइंड स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी एंड द फ्रिगल नेचर ऑफ इंडियन यूनिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स जो हमारे जो मेकर्स हैं उनको पता रहा कि हमारा जो कंट्री है जब इंडिपेंडेंट हुआ या फिर इंडिपेंडेंट होने वाला, तो उस समय वो जो अलग अलग जो डिफरेंट जो पार्ट्स में क्या था, डिवाइडर था। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट अलग थे, ब्रिटिश के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो आपका जो अलग अलग जो प्रोविंसेस है उसमें डिवाइड किया गया था। सो उनको एक करना है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक जो स्टेटस था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, सो उसको कैसे बेहतर किया जा सके, ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर है उनके माइंड में था। सो इसीलिए वो क्या किए, सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन गाइडिंग प्रिंसिपल विच इनकॉर्पोरेट द आइडियाल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। में जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल था वो स्टेट पॉलिसीज क्या था, कि जो एक जो गाइड, एक जो गाइड के रूप में वर्क करेगा कि जो हमारा जो स्टेट है, मीन्स हमारी जो कंट्री है, उसको किस तरीके से वर्क करना है, उनको वो कौन कौन से जो फील्ड है जहां पर वो क्या कर सके, फोकस करेंगे। जैसे यहां पर द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल व्हेन मेकिंग पॉलिसी एंड लॉज। मीन्स उनको एक जो उनके माइंडसेट में एक जो पॉइंट्स रहेगा डेवलप, हमारे जो कंट्री के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लीडर्स थे, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनको लॉ क्रिएट करना है, कोई एक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, बनाने हैं, सो उनके लिए क्या करना है, तो जो उस टाइम पीरियड अर्ली पीरियड्स में रिजर्वेशंस वाला था कि जो सीट जो है रिजर्व करने हैं, ताकि जो बैकवर्ड जो क्लास वाले जो पीपल्स हैं उनको आगे लाया जा सके। साथ ही साथ जो सीट जो शेड्यूल या कास्ट है, ट्राइब्स है, वुमेन्स है, कंपल्सरी एजुकेशन है, जो जितने भी जो चिल्ड्रंस है, तो उनके लिए एक जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए जो मैकेनिज्म बनाना है। सो ये क्या था कि जो एक जो पॉलिसीज है, एक जो लॉज है, वो बना दी गई, उन्हीं के थ्रू उनको वर्क करना पड़ेगा। सो ये जो चीजें हैं, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू एज ऑफ 14 एंड देयर नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर ऑल रिलीजन्स। मीन्स जो डायरेक्टिव पॉलिसीज में ये क्लियरिफाई किया गया कि जो एजुकेशन है, उस समय जो इंडियन का जो लिटरेसी जो लेवल था वो बहुत ज्यादा डाउन था, तो उसके लिए क्या है कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में जो 6 to 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले जो जितने भी जो चिल्ड्रंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, तो उसके लिए किस तरीके से जो प्लान है वो बनाया जाए, किस तरीके से लॉ जो है एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि सभी को जो एजुकेशन मिल सके। सो ये जो डायरेक्टिव जो क्या किया गया, प्रिंसिपल एक पॉलिसीज बनाई गई, साथ ही साथ जो एक जो यूनिफॉर्म लॉ मीन्स
बिना किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, सभी के लिए जो समान रूप से जो लॉ है वो क्रिएट करने हैं, ताकि जो जुडिशियल जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से रन कर सके और सभी को जो न्याय है, जो जस्टिस है वो इक्वली पर्टिकुलर। अगर मैं कोई क्राइम किया हूं, मैं हिंदू हूं, तो मुझे भी वो पनिशमेंट मिले, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सो सेम जो क्राइम है उसके लिए सेम जो पनिशमेंट है वो होना चाहिए। यो यूनिफॉर्म जो लॉ जो सिस्टम है, एक समान जो कानून व्यवस्था है वो सभी के लिए। तो ये सब चीजें किसमें हुआ, जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है और उसमें ये जो क्लियरिफाई किया गया है। देन बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स ये जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है वो कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्स है किनके द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स है उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी ही है, अगर हम नहीं करते हैं तो उस पर पनिशमेंट किया जा सकता है। बट ऐसा इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे नहीं है, कोई जो स्टेट है, कोई कंट्रीज है वो उसको फॉलो कर सकता है, गवर्नमेंट उसको फॉलो कर सकता है, उस पॉलिसी डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है वो जो पॉलिसीज है उसको की तरह वो वर्क कर सकता है, या फिर उससे बाहर भी हटकर भी वो वर्क कर सकता है। सो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड हुआ। मीन्स इसमें हम एक जो चीजें एकदम साधारण सी भाषा में इसको ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को किस टाइप से रन करना है, किस टाइप से चलाना है, ये सभी जो चीज है वो जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बताया गया है। बट ये जो एक जो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है गवर्नमेंट की, आपको इसी पर चलते हुए इसी को फॉलो करना है। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, मोर जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स की हम बात करें वो है हमारा एक फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसी के थ्रू हम जो देखते हैं कि हमें जो यहाँ पर जो ह्यूमंस है, इंडियन जो पीपल्स हैं, उनको डिफरेंट जो राइट्स है वो प्रोवाइड किएगा और इन्हीं की इसी के प्रोटेक्शन के थ्रू वो जो है डेवलपमेंट अपना कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर जो एक उसको एक ह्यूमन राइट्स के रूप में यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, मीन्स जो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इशूड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो 10 दिसंबर को 1948 को कुछ जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक जो उसको ह्यूमन राइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है। देन ये जो राइट्स है आपका, जो दिस राइट्स हैव बीन एंड इंस्पिरेशंस फॉर मेनी नेशन इन एशिया एंड अफ्रीका हुज स्ट्रोव टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर कॉलोनियल मास्टर। मीन्स ये जो ह्यूमन राइट्स है, अभी जो फंडामेंटल राइट्स है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो कुछ जो कंट्रीज है जो उस समय किसी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंडर कंट्रोल में थे, उनका शोषण किया जा रहा था, उनका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा था, तो ये जो एक क्या किस रूप में काम आया, इंस्पिरेशंस के रूप में, वो उनसे इंस्पायर हुए है ना, उनसे प्रभावित हुए, जागरूक हुए और जो अपने जो यहाँ के जो सिटीजन है उनको भी ये जो बेसिक राइट्स है वो प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स में हम बात करते हैं, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इट्स सिटीजन सर्टेन फंडामेंटल और बेसिक राइट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें क्या करता है, एश्योर करता है, हमें गारंटी देता है कि ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स है आपको दिए गए हैं। जैसे हमने डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल देखा स्टेट पॉलिसीज में, वो उसमें क्या नहीं था कि वो जो कोर्ट के द्वारा इंफोर्स नहीं था है ना उसको जो, बट जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स कोई जो अगर जो फंडामेंटल राइट्स का जो है क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसका हनन किया जाता है, उससे हटकर कुछ जो चीजें गलत करते हैं तो कोर्ट के द्वारा उसको पनिशमेंट भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमारे पास टोटल जो है कितने 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ जो फंडामेंटल राइट जब हमारा कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ सो उस समय इंक्लूड किया गया था, उसको बाद में हटा दिया गया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्टिंग पीरियड्स में वो फंडामेंटल राइट्स था, बट उसको बाद में उसको नॉर्मल जो राइट्स या फिर जो बेसिक जो राइट्स के रूप में उनको क्या कर दिया गया, क्लेरिफाई कर दिया गया। और इसमें जो इंक्लूड किया गया जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन है, उसको 7 जो राइट्स के रूप में फंडामेंटल राइट्स के रूप में इंक्लूड किया गया है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें बेटा, तो राइट टू इक्वेलिटीज, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशंस, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एंड राइट टू
एजुकेशन, ये जो टोटल जो हमारे जो सेवन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें इंडियन जितने भी जो इंडियन जो सिटीजन हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं। अब जो एक एक जो डिफरेंट जो राइट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो आता है आपका राइट टू इक्वेलिटी, यहाँ पर राइट टू इक्वेलिटी दिया गया, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिखेंगे। ये सभी जो पॉइंट्स है बेटा इसको आप जब नोट्स प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो इस पॉइंट से आप जो है अपना इजिली जो है आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन राइट टू इक्वेलिटीज की बात करें तो इसमें क्या चीज है, सो ऑल सिटीजंस आर इंटिल्ड टू इक्वल ट्रीट बिफोर लॉज, मीन्स सभी जो जैसे यहां पर एक इमेज दिखाई दे रहा है, सो इसमें क्या है कि जो जितने भी जो हमारे जो इंडियन जो सिटीजन है वो क्या है, इक्वल है। किन के सामने, जो हमारा जो लॉज है कानून है वो सभी के लिए इक्वल फॉलो किया जाएगा। कोई जो है किसी पर ऑल एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सभी को समान अधिकार है, सभी को समान रूप से अवसर प्रोवाइड किया गया है। दे शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिक्स और रिलीजन, मीन्स किसी भी प्रकार पर जाति धर्म लिंग के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन पर डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जा सकता। देन बट द स्टेट रिजर्व द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड द लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस, मीन्स हमारे जो स्टेट के पास ये राइट्स है, उसके पास रिजर्वेशन है, ये अधिकार है कि वो जो बैकवर्ड जो क्लास वाले जो पीपल्स है, जो वुमेन्स है, उसके लिए स्पेशल जो प्रोविजन है कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको भी जो अदर जो पीपल्स हैं उनके साथ मिलकर चलने के लिए कुछ जो बेहतर जो विशेष जो स्पेशल जो प्रोविजंस की विशेष अवसरों की जो जरूरत है तो उसके लिए रिजर्वेशंस है वो प्रोवाइड किया जाता है उसको, उसके लिए उनको डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज है सीट रिजर्व किया जाता है ताकि वो जो है आगे आ सके और बाकी लोगों के साथ इक्वल जो है वो भी हो सके। So, ये जो है आपके राइट टू आपका जो इक्वेलिटी से रिलेटेड, देन नेक्स्ट जो आपका जो आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम्स की हम बात करें यहां पर कुछ जो पॉइंट्स है ये आपको इंक्लूड किए गए, यहां पर आप देख सकते हैं द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स जो आप जो है फ्रीली कुछ भी चीजें आप बोल सकते हैं, आप अपने जो व्यूज है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के आप पीसफुली शांति रूप से शांत रूप से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप एक डिफरेंट जो संस्था है वो बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में सभी जगह जो है आप फ्रीली घूम सकते हैं, है ना, कहीं पर भी आप जो है क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं जो एक संस्था बनाना चाहता हूं तो मैं एक जो क्या संस्था बना लिया है जहां पर गुंडे मवालिया है जो है ना, जो नक्सल है या फिर जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उस टाइप की मैंने संस्था बना ली। मेरे को तो फ्रीडम है, मैं आजादी है ना, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, फ्रीडम टू स्पीच है, मैं किसी को क्या कर रहा हूं, गंदे कमेंट्स पास कर रहा हूं, मैं किसी को गाली दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है ना, जो जो चीज सही है उसके लिए हम फ्रीडम है, उसके लिए हमें आजादी है। कुछ गलत जो चीजें हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसके लिए हमें आजादी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कोर्ट है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसके जगह पर हमें क्या कर देगा, वो पनिश कर सकता है। देन फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जा सके रह सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के घर, आपको पसंद आया है ना यार, यार आपका फ्रेंड जो है उसको आप बोले कि आपका जो घर है बहुत बेहतर है, आपका हाउसेज है, मेरे को चाहिए, मैं वहां पर रहूंगा, आप गए आपके आपके फैमिली के साथ और उनके फैमिली को घर से बाहर फिकवा दिए, सो ये चीजें आप कहीं पर भी रह सकते क्या? ऐसा नहीं है, बट आप कहीं पर भी जमीन खरीद सकते, प्लॉट खरीद सकते, वहां पर अपने हाउस बिल्ड कर सकते और वहां पर आप रह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई आपको रोकने वाला नहीं है। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी जो प्रोफेशन है, कोई भी जो जॉब है वो चूज कर सकते हैं, कोई भी जो व्यापार है, ट्रेड है, बिजनेस है वो कर सकते हैं। बट कोई भी बिजनेस की बात हो रही है यहां पर, है ना, आप जो ऐसे कोई जो गलत जो चीजें हैं जो जिनको क्या किया गया है कोर्ट के द्वारा या फिर जो हमारे लॉज में क्या है पनिशेबल है, वैसी जो चीजें हैं जैसे कुछ जो नशीली जो दवाइयां हैं ड्रग्स से रिलेटेड है तो उसका बिजनेस कर रहा है वो इलीगल बिजनेस है,
और कई ऐसे जो इलीगल जो क्या है मटेरियल्स हैं उसका बिजनेस नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि नहीं हमें तो क्या है फ्रीडम है, हमें आजादी है, हम ये भी चीजें करेंगे, ये भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे। सो ये बिल्कुल भी नहीं है। सो द राइट टू फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर स्पेशल कंडीशंस। कुछ जो ऐसे जो कंडीशंस है, कुछ जो ऐसे जो सिचुएशंस हो जाते हैं जब आपके जो राइट टू फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या फिर उसको कुछ समय के लिए एबोलिश किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल यहां पर इफ इट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि जो देश के अगेंस्ट कुछ जो चीजें बातें कर रहे हैं या फिर वो आप ऐसा जो एक्शंस कर रहे हैं, ऐसी जो बातें बोल रहे हैं जो कंट्री के जो सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सब ऐसे सिचुएशंस में आपके जो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम है उसको कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली उसको एबोलिश किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, धर्म से रिलेटेड। आप जो कोई भी जो धर्म है, इंडिया बिगेन अ सेक्युलर कंट्री, एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज आर हर लाइकिंग। मीन्स आप कोई भी जो धर्म है जिसको आपको पसंद है, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू धर्म अपना सकता हूं, मैं सिख हूं तो मैं जैनिज्म फॉलो कर सकता हूं। मीन्स हमारे जो कंट्री है, स्टेट है, यहां पर गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू कोई भी जो पर्टिकुलर जो धर्म है उसको फिक्स नहीं किया गया है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो आप इस धर्म में पैदा हुए तो आप किसी अदर जो धर्म के जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसको आप फॉलो नहीं कर सकते। साथ ही साथ देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव आप नहीं किया जा सकता। नहीं रिलीजियस ग्रुप्स हैव द राइट टू इस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर प्रोटेक्टेड। मीन्स जो डिफरेंट जो रिलीजियस जो ग्रुप्स है वो अपना जो है क्या बना सकते हैं, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, मंदिर मस्जिद है वो बिल्ड कर सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, साथ ही साथ वो जो चैरिटेबल जो संस्था है वो बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो माइनॉरिटीज जमीन जो जो जिस धर्म से रिलेटेड जिस रिलीजियस के जो पीपल्स के नंबर ऑफ पीपल्स वो कम है तो उनके लिए स्पेशल जो प्रोविजंस है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर उसे उसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स है यहाँ पर दिए, साथ ही साथ एक बेहतर जो इमेज है वो आपको दिखाई देता है कि हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आपके सिखिज्म और आपका इस्लाम और आपकी क्रिश्चियनिटी, इन सभी से मिलकर हमारा क्या बनता है, इंडिया बनता है, इंडियन जो बनते हैं, एक जो भारतीय जो है वो बनता है इन सभी से बनकर, तो एक बेहतर जो इमेज है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मोटिवेटेड जो इमेज है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का जो इमेज है वो भी दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट्स आता है कि वो है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमारा जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है जिसमें पीपल बिलोंग टू ऑल कल्चर ग्रुप हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मीन्स सभी जो पीपल्स हैं वो चाहे वो किसी भी जाति धर्म से रिलेट करते हैं, वो कोई भी जो कल्चर है, कोई भी जो लैंग्वेज है उनको वो फॉलो कर सकता है, उसको बोल सकते हैं, कोई भी जो ट्रेडिशन है वो उनको एडॉप्ट कर सकता है। देन माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मीन्स जो माइनॉरिटी मीन्स जो जिन जो ग्रुप्स है जो नंबर ऑफ पीपल्स है उनकी जो संख्या है वो कम है, वो क्या कर सकते हैं, वो भी उनको भी ये फ्रीडम है, उनके पास भी ये जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर सकता है, इस्टैब्लिश कर सकता है, वो अपनी जो संस्थाएं हैं चैरिटेबल है वो फॉलो कर सकते हैं, जो ट्रेडिशंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी के दौर में हम जो देखते हैं कि कभी कभी ऐसे जो हमें केसेस देखने को मिलते हैं कहीं पर आपस में जो दो डिफरेंट जो रिलीजन्स के लोग हैं वो आपस में लड़ने लगे, डिफरेंट जो कल्चर वाले हैं वो लड़ने लगे, साथ ही साथ एक जो डिफरेंट जो इमेज ये भी नजर आता है कि अदर जो डिफरेंट जो हिंदू वाले हैं वो जो बकरीद मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं,
मुस्लिम है वो जो है दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, या फिर जो अदर जो कल्चर में जैसे आपका जो कुछ जो ट्रेडिशंस है जो केरला वाले हैं वो जो दिल्ली का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करे, तो या फिर आपका जो गरबा है वो जनरली गुजरात राजस्थान वाले एरियाज में होते हैं, बट वो जो है आपका कहां पर केरला रीजन्स में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये जो कल्चरल जो एक्सचेंजेस है वो हमें देखने को मिलता है, इसलिए इंडिया को कहा जाता है एक इनक्रेडिबल इंडिया, जहां पर डाइवर्सिटी है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट साथ ही साथ हमें यूनिटी भी देखने को मिलता है। सो यहीं पर वो एग्जांपल बंगाली एसोसिएशन से रिलेटेड दिया कि वो जो दुर्गा पूजा है वो इंडिया के किसी भी पार्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा जो राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन, में जो शोषण जो किसी जो पर्सन जो जनरली ये जो एज जो अंडर जो एज ग्रुप जो 14 इयर्स वाले जो एज ग्रुप है उनके साथ ज्यादातर होता है। पॉवर्टी ऑफ्टन एक्सपोज पीपल टू एक्सप्लोइटेशन इन द हैंड्स ऑफ अदर, मीन जो गरीबी है ना वो फोर्स करता है लोगों को कि कोई जो पर्सन है उस पर शोषण कर सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है पॉवर्टी पुअर जो पीपल्स हैं उनके पास बोलने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, उनको जितना जो वेजेस है जितना जो पेमेंट है जितना जो पैसा है दिया जा रहा है उसी पर ही वो जो है काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जितने घंटे उनसे काम लिया जाता है वर्किंग आवर्स उनका क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। द राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बिगेन एक्सप्लॉयटेड, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज इलीगल इन इंडिया, मीन्स राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन से वो इंडियंस को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ शोषण ना हो, उनके साथ जो कोई अत्याचार ना हो, साथ ही साथ जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एज वाले जो ग्रुप्स हैं ऐसे जो चिल्ड्रंस हैं उनको किसी भी जो रिस्की जो वर्क है वो करने से उनको इलीगल माना गया है, उसको कानूनी रूप से अवैध कहा गया है। मीन्स कोई भी जो पर्सन कोई जो स्टूडेंट्स कोई जो बच्चा है जिनका एज जो है अंडर 14 इयर्स है उनको किसी भी जो होटल है फैक्ट्रीज है या फिर जो ऐसे जो अदर जो डिफरेंट जो वर्क है वो करने के लिए बिल्कुल मना किया गया। यहाँ पर आपको एक जो गुड़िया है वो दिखाई दे रही है जो क्या कर रही है आपका जो काम कर रही है, बट ऐसा नहीं है बेटा कि जो एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं तो आप घर में भी कुछ काम ना करो, है ना। मैं तो अभी 14 इयर्स के नहीं हुई हूँ सो मैं जो है अपने जो मम्मी के हाथों उनके जो वर्क है उस पर कोई हेल्प नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो फिर मैं जो है मेरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है मैं जाकर केस कर दूंगी। कई बार ये जो चीजें हैं वो भी देखने को सुनने को मिलता है कि एक जो छोटा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पर क्या कर दिया है जाकर केस कर दिया है। यहाँ पर वो पेरेंट्स की गलती हो सकती है या फिर उस बच्चे की भी गलती हो सकती है। सो आपको जो अपने फैमिली वर्क है वहां पर क्या करना है, हेल्प करना है ना, आपको उससे पीछे नहीं हटना है। सो ये राइट्स अगेन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हुए। देन नेक्स्ट जो हम देखते हैं बेटा राइट्स टू एजुकेशन, एजुकेशन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फीचर्स है और राइट द राइट टू एजुकेशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में एक जो माइल स्टोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक जो ऐसा समय था जहां पर हमारा जो लिटरेसी जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा पुअर था बहुत ही ज्यादा डाउन था, बट ये जो राइट टू एजुकेशन आया और जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट जो एजुकेशन के फील्ड में जो प्रयास किए गए उसका रिजल्ट ये हमें नजर आता है कि अभी के दौर में देखें तो हमारा जो इंडिया है यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत आगे तक चला गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखें हम तो राइट टू एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल वाज अ मेड फंडामेंटल राइट्स इन 2002, मीन्स जो 2002 में जो राइट टू एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वहां तक के लिए फंडामेंटल राइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। देन ऑन 1 अप्रैल 2010 इंडिया पास द हिस्टोरिक राइट टू Children's to Free and Compulsory Education Act make free elementary education a fundamental right of every child in the 6-14 age groups. Means यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को ये एक पास आउट हुआ है कि जो जितने भी 6-14 ईयर्स एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रंस है उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी मीन्स सभी के लिए अनिवार्य जो है ना शिक्षा है एजुकेशन है वो उनको दिया जाना चाहिए सभी के लिए अनिवार्य है। इसीलिए क्या हुआ कि जो डिफरेंट जो
स्कूल से वहां के जो टीचर्स है वो आसपास एरिया में जाते हैं और डिफरेंट जो सर्वेज करते हैं और क्या पता करते हैं कि कौन जो स्टूडेंट है जिनका जो एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स है वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, उनको समझाया जाता है, फिर उनको स्कूल में लाया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल दैट ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप गेट स्कूलिंग, मीन्स सभी को जो क्लास 8 तक एजुकेट करना है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि इनके जो स्टूडेंट है अगर क्लास 8 तक एजुकेट कर लेंगे तो उनमें इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी वो कि ऑटोमेटिकली वो आगे के जो एजुकेशन है उसको वो लेंगे। और अभी के दौर में हम जो देखें तो बेटा हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है। जैसे ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो एक जो चिल्ड्रंस है जिसको बताया गया नाउ योर फैक्ट में इम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, ये जो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, साथ ही साथ ऐसे जो चिल्ड्रंस है जिनका शोषण किया जा रहा है जो होटल्स पे या फिर किसी फैक्ट्रियों पे या फिर जो ईंट के जो भट्टे हैं वहां पर काम करते हैं, वैसे जो चिल्ड्रंस है उनको भी मोटिवेट करके, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करके उनको एजुकेशन के फील्ड में उनको एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान्स है, डिफरेंट जो योजनाएं हैं वो स्टार्ट किया गया, जैसे मिड डे मील है, स्कॉलरशिप वाली जो प्लानिंग है, 9th क्लास के जो स्टूडेंट है उनको बाइसिकल जो है प्रोवाइड्स करना है, कहीं पर आपको टैबलेट्स लैपटॉप प्रोवाइड्स करने हैं हायर एजुकेशन में। तो ये जो डिफरेंट जो प्रयास है, जो डिफरेंट जो एफर्ट्स है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी है वो देखने को मिलता है। सो ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स पे बैठे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मीन्स जो संवैधानिक जो उपचार है, ये जो है सभी जो जितने भी जो राइट्स है उनका ये क्या है, बाप है, बाकी सब क्या है उनके बेटे हैं, तो ये उनका क्या है, बाप है। मीन्स ये जो सभी जो जितने भी अदर जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, जो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है वो जितने भी हमारे जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सो अवर फंडामेंटल राइट्स आर लीगल एंड जस्टिफाइबल, सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अपील इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर डीम्ड देयर फंडामेंटल राइट्स, मीन्स इफ दे आर डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स, मीन्स कोई भी जो पर्सन है वो किसी के जो फंडामेंटल राइट्स है, कोई जो इंस्टीट्यूशन है, कोई जो संस्था है, किसी के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसका जो शोषण कर रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में वो जो पर्सन है वो सीधा सीधा कोर्ट में जाकर उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था है, कोई पीपल्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी वो केस जो है, हमारे जो जो सिस्टम्स है वहां पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस वो डाया लगा सकता है, अपील कर सकता है। देन द कोर्ट आर इम्पावर्ड टू इश्यूज रीट टू हुजर deprive the citizen of their rights and demand the restoration of the fundamental rights, means court जो है रेट इशू को लेकर कि कौन जो वो जो संस्था है, पर्सन है, उसने पर्टिकुलर उस जो पर्सन है उसका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या किया गया, उसका शोषण किया, उसको हनन किया गया, डिंड किया, डिनाइड किया गया है, सो उससे रिलेटेड जो आदेश है वो जो हमारा जो कोर्ट है वो क्या करता है, बट अंडर स्पेशल कुछ ऐसे जो कंडीशंस है, कुछ ऐसे जो घटनाएं होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा जो फंडामेंटल जो राइट्स है उसको डिनाइड किया जा सकता है। जैसे आपका जो इमरजेंसी लगा हुआ है कंट्रीज में, चाहे वो वार का जो सिचुएशन हो, फाइनेंशियल जो क्राइसिस हो या फिर कोई अदर जो कंडीशंस है उस पर जो इमरजेंसी लगा हुआ है, सो उस समय जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको डिनाइड किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कंट्री में जो 1974-75 में जो क्या लगा था, इमरजेंसी हुआ था, उस समय जो डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। व्यक्ति जो है, कोई भी पर्सन है, वो गवर्नमेंट के बिना किसी परमिशंस के वो जो है न्यूज़पेपर में कुछ छाप नहीं सकता था, कोई भी जो पब्लिकली वो जो एसोसिएशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता था, कोई पब्लिक जो मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकता था। सो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड कि ये जो है हमारे जो डिफरेंट जो अदर जो राइट्स है उनको प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है हिंदी में इसको।
ये हुए हमारे डिफरेंट जो राइट्स से रिलेटेड पॉइंट्स है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स मिलता है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो मुख्य विशेषताएं क्या चीज है, और वो क्या जो मेन जो पॉइंट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, दे कॉन्स्टिट्यूट द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फैब्रिक्स ऑफ द कंट्री। मीन्स हमारे ये क्या करते हैं, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो फाउंडेशन स्टोन, मीन्स एक जो बेस का जो काम करता है, और एक जो डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक जो हमारे कंट्री को एक जो पूरे धागे में पिरोने का, बुनने का जो काम करता है फैब्रिक। जैसे हम जो देखते हैं एक कपड़ा बनाया तो डिफरेंट जो धागों से मिलकर बनता है ना, अलग अलग जो उसमें क्या थ्रेड्स होते हैं। सो हमारे कंट्री में भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो लोगों को जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे जो लोगों के मन में जो फ्रेटर्निटीज की जो ब्रदरहुडनेस है वो आते हैं, साथ ही साथ उससे हमारा जो कंट्री है उस पर यूनिटी बना रहता है। देन दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स वाले हैं, जो वीकर सेक्शन के जो सोसाइटी के जो पीपल्स है उनको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन दे स्टैंड द सिक्योर नेचर ऑफ नेशंस। वो जो हमारे कंट्री के जो सिक्योर जो नेचर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मीन्स यहां पर डिफरेंट जो रिलीजन्स, डिफरेंट जो कास्ट के जो पीपल्स हैं, तो रिलीजन से रिलेटेड जो सिक्योर जो नेचर्स है उसको स्ट्रेंड करते हैं, उसको मजबूती प्रोवाइड करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। दे ले द फाउंडेशंस फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वेलिटीज। मीन्स वो क्या प्रोवाइड करता है कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स में जो देखते हैं कि जो इक्विटेबल जो सोसाइटी है, जो जहां पर जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय हो, सोशल इक्वेलिटीज हो, सामाजिक रूप से जो समानता है वो हो, सो ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे जो राइट्स है लोग जो है उससे रिलेटेड अवेयरनेस है, तो उनसे ही ये जो सिग्निफिकेंस है वो हमें देखने को मिलता है। देन चेक द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो एब्सोल्यूट जो अथॉरिटीज की बात है कि जो कोई जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगा, किसी जो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वो क्या कर दे रहा है, डिनाइड कर दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज का जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो वहां पर वर्क करता है, और जो एब्सोल्यूट जो अथॉरिटीज है गवर्नमेंट को उसको वो ब्रेक करता है। सो ये कुछ जो पॉइंट्स है जहां पर जो सिग्निफिकेंस है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम उस पर डिस्कस करें। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो ले डाउन अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है बेटा कि जो ये जो ड्यूटीज है हमारे जो ड्यूटीज मीन्स क्या होता है कर्तव्य, ये जो है कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉस के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। यहां पर कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन सच एज द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मीन्स जो हमारे जो आइडियाज जो आदर्श है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जिस जैसे हम नेशनल फ्लैग्स की बात करते हैं, नेशनल जो एंथम्स है, नेशनल जो मोनोमेंट जो बिल्डिंग्स वगैरह है, तो उनको हमें क्या करना है, उनका हमें आदर करना है, उसका रेस्पेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। देन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मीन्स इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स की हम बात करें तो हमारा जो स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी हमारे जो लीडर्स हुए उससे रिलेटेड डिफरेंट जो पॉइंट्स है, या फिर डिफरेंट जो उससे रिलेटेड जो मेमोरेबल जो चीजें हैं उनको हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। कभी कभी आप जो देखेंगे किसी जो प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पर कोई जो किसी का जो स्टेच्यू लगा हुआ है, तो कई जो ऐसे जो शरारती जो तत्व है ना, कई ऐसे जो लोग होते हैं वो उस पर पत्थर मार रहे हैं, उस पर कचरा फेंक रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है कि हम उसका क्या करें, प्रोटेक्ट करें, उसका रेस्पेक्ट करें। देन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो
संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न वाली बात करते हैं कि जो यहाँ के जो एकता है, इनकी जो यूनिटी है, आपस में जो इनको बांध के रखना है किसको, इंडिया को, सो उसके लिए उसकी अखंडता है, उसके हम फॉलो करने हैं, किसी प्रकार का जो अदर जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है वो हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं कंट्री को कोई जो नुकसान हो वो हो। देन टू डिफेंड अ कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो मीन्स क्या होता है कि बेसिकली हम इसमें ये जो चीज पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं कि जो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज मीन्स जो कंट्री को डिफेंड करना, कई बार ऐसा क्या होता है कई जो आपको न्यूज चैनल्स में कई भी जो चीजें कई जो इंस्टीट्यूशंस है वो कंट्री के अगेंस्ट जाकर कई ऐसे जो चीजें कर देती हैं जिससे डिफरेंट जो वर्ल्ड है वहां पर जो हमारे जो कंट्री है उसका जो व्यूज है उसका जो जो हम बात करें जो कंट्री है वो गलत तरीके से प्रेस किया जाता है। जैसे हम जो कश्मीर से रिलेटेड जो इश्यूज हुआ था 370 का जो आर्टिकल हुआ तो कई जो कंट्रीज है वो इंडिया के अगेंस्ट हो गए थे, कई जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी उसको गलत तरीके से पेश कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, हमारी ड्यूटीज बनती है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है, हमारे जो नेशनल जो मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, कभी कभी क्या होता है कि जो सोशल जो प्रॉपर्टीज है जैसे गांव में जो है या फिर टाउन से सिटीज है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, जो जो हमारे जो चिल्ड्रंस है स्टूडेंट्स है उसमें से आप भी होंगे, वो क्या करते हैं कि उस जो लाइट जो लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है उसको क्या करते हैं एक जो स्टोन्स होता है पत्थर लिए और उसको क्या करने लगे थ्रो करके उसको मारने लगे, उससे क्या होगा वो जो है टूट जाता है, उससे हमें कुछ प्रॉफिट है थोड़ी देर के लिए हमें क्या होगा हम उससे इंजॉयमेंट मिलेगा बट वो जो पर्टिकुलर जो उससे जो लॉसेज हो रहा है उसका जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा होता है। सो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में हमें दो पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और आपका स्टेट गवर्नमेंट, मीन्स हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स इट इज गवर्न एट अ थ्री लेवल, मीन्स यहां पर गवर्नमेंट का जो थ्री जो डिफरेंट जो लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपको मिलता है लोकल गवर्नमेंट, थ्री जो लेवल है सेंट्रल, अनदर एट द रीजनल और स्टेट लेवल एंड अनदर एट द लोकल लेवल जिसे हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। आपने क्लास सिक्स में जो पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड पॉइंट आपने स्टडी किया, आपने जो क्लास सेवंथ में जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड और आपका क्लास एट है जहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आप स्टडी करेंगे आने वाले जो आपके नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर। देन यहां पर क्या किया गया है, दिस सेपरेट द ऑफ पावर एट द नेशनल लेवल एंड एट द रीजनल लेवल इज नोन एज द फेडरल डिविजन ऑफ पावर, मीन्स जो पावर का जो सेपरेशन है, मीन्स जो जो ताकत है जो पावर है मीन्स जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से जो वर्क है वो करेंगी उसको डिवाइड कर दिया गया है, कुछ जो सब्जेक्ट है कुछ जो टॉपिक्स है कुछ जो इश्यूज है उस पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और कुछ जो टॉपिक कुछ जो इश्यूज है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सो यहां पर जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे यहां पर आपका डिविजन ऑफ पावर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है जिसमें ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन असाइंड सेपरेट एरिया ऑफ ऑपरेशन और सब्जेक्ट, जिसमें यूनियन जो लिस्ट है वहां पर इंक्लूडेड है 99 आइटम्स है जिसमें आपका कुछ जो एरिया जैसे आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जो लॉज है एक्ट बनाने हैं वो कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, मीन्स जो डिफेंस से रिलेटेड है मीन्स कंट्री का जो प्रोटेक्ट करना है कंट्री से रिलेटेड जो डिसीजन लेने हैं डिफेंस से रिलेटेड रक्षा से रिलेटेड तो वो कौन कौन बनाएगा उस पर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगा। फॉरेन अफेयर्स मीन्स विदेशों के साथ जो संबंध है उससे रिलेटेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, वहां पर वर्क होगा लॉज मेक करना है एक्ट इंट्रोड्यूस करना है पॉलिसीज बनाने हैं वो कौन बनाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में जो लिस्ट आते हैं उसमें 67 आइटम्स है जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, पुलिस है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, एग्रीकल्चर है, ये सभी जो कम्स आते हैं दिस कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट
गवर्नमेंट्स, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। जनरली एजुकेशन है उसको अब जो कंसोलिडेटेड जो लिस्ट है जहां पर जो दोनों जो है सेंट्रल भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों जो है वहां पर पॉलिसीज बना सकते हैं, एक जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड लिस्ट मीन्स जो सामूहिक रूप से दोनों जो है मिलकर क्या बना सकते हैं इस पर, या तो स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर जो लॉज है वो क्रिएट कर सकता है, एक ला सकता है, पॉलिसीज बना सकता है, साथ ही साथ उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, आपका लेबर वेलफेयर से रिलेटेड है, ऐसे कुछ जो 47 जो सब्जेक्ट है जिस पर दोनों जो है लॉज या फिर पॉलिसीज है मेकिंग का वर्क है वो कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका जो डिफरेंट जो डिवीजन ऑफ पावर का है, द रिसाइडियरी पावर आर एक्सरसाइज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो ये कुछ जो पॉइंट्स जो थे वो डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड था कि जो पावर का जो सेपरेशन है, ताकि जो पता हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या और किस फील्ड में वर्क करना है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि उनको किस किस फील्ड में वर्क करने हैं और किस फील्ड में वो कानून बना सकता है, पॉलिसीज ला सकता है, और किस फील्ड में जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है लॉज लाएंगे, कानून बनाएंगे। और ये जो लिस्ट है इस टाइप से डिसाइड किया गया कि कई जो ऐसे जो लोकल लेवल पर जो इश्यूज होते हैं, लोकल लेवल कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को उससे ज्यादा उतना नॉलेज नहीं होता है और वो बेहतर उतना ज्यादा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो कुछ जो ऐसे जो लिस्ट 67 जो आइटम्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट फिक्स किया गया है। सो ये हमारा जो डिविजन ऑफ पावर से रिलेटेड है, कुछ जो पॉइंट्स तो आपको जो नाउ योर फैक्ट्स में यहां पर बताया गया है कि वी ओनली वांट जस्टिस दलित वुमेन्स ऑन वार पैथ, मींस हमारी जो मदर्स एंड जो सिस्टर्स हैं जिनको कहा जाता है गुलाबी गैंग, है ना, ये जो अपने जो राइट्स हैं अपने अधिकार के लिए उनके द्वारा क्या किया गया, लड़ा गया था। जो इनके जो फाउंडर थे, जो गुलाबी गैंग है उसके जो फाउंडर थे संपत पाल देवी। गुलाबी गैंग क्यों कहा जाता था, तो इनकी जो महिलाएं हैं उनका जो ड्रेस कोड होता था वो जो पिंक, जो गुलाबी कलर है, गुलाब का जो कलर, पिंक ड्रेस है पहनते थे और उनके हाथों में होता था एक लाठी। सो ये क्या करते थे कि जो करप्ट जो पर्सन है, जो इनका वर्क सही से नहीं कर रहे हैं, जो साहूकार थे, जो लोगों के साथ अत्याचार शोषण करते थे, एक्सप्रेशन करते थे, ऐसे लोगों को ये पनिश करते थे। सो बाद में ये जो वर्क है, इनका जो काम है वो सोशल वर्क के रूप में ज्यादा वर्क करने लगे और अभी भी इनके जो मेंबर्स है वो एक्टिव रूप से वर्क कर रहे हैं। सो देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हम देखें बेटा, आपका जो साइलेंट फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो साइलेंट जो फीचर्स को जो मुख्य जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। सो जो ये जो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट्स है उसकी हम बात करें, सो देयर इज अ नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, मीन्स हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है गवर्नमेंट्स है वो फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर जो स्टेट का जो हेड होता है वो नाम मात्र का होता है, नॉमिनल हेड। दिस नॉमिनल हेड मे बी हेड इज मोनार्च एज इन द केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके और एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज इन केस ऑफ इंडिया, मीन्स ये जो नॉमिनल हेड है जिसे फिगर हेड कहा जाता है, नाम मात्र का होता है ना, तो वो जो हेड मीन्स हो सकता है कि वो जो है वंशानुक्रम, जैसे मैं बना हूं मैं हूं, सो मेरे आने वाले जो मेरे जो बेटे हैं मेरे ब्रदर्स हैं वो बनेंगे। बट कुछ जो कंट्रीज है जैसे हमारे इंडिया में उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। जैसे आपका प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट होता है। उनका जो टर्म है वो कितना, 5 years के लिए होता है। देन 2 डिसीजन ऑफ द स्टेट्स आर टेकन इन द नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, द रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज आर हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स। मीन्स ये जो जितने भी जो फिगर हेड्स होते हैं, जो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, मीन्स जो कंट्री के जो हेड होते हैं उनके पास जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और जो एक्चुअल जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं। बट उस डिसीजन को किनके सिग्नेचर से वो कंप्लीट होता है, वो होता है हमारे जो प्रेसिडेंट है या फिर जो नॉमिनल हेड है उनके थ्रू ही वो कंप्लीट होता है। देन द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो 3 जो डिफरेंट ब्रांचेस की हम बात करते हैं, जिसमें आपका जो नेमली जो है लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मीन्स जो साइलेंट फीचर्स के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें, तो यहां पर एक जो पॉइंट आता है कि
जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के जो थ्री जो डिफरेंट जो ब्रांचेस है, डिफरेंट जो भाग पार्ट्स है, जिसमें आपका जो लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरीज है, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर किसी जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। देन देयर इज अ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर तीनों के जो अपने डिफरेंट जो पावर्स हैं, जो लेजिस्लेचर्स का जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और जुडिशियरी है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेजिस्लेचर्स वो आंसरेबल है किनके, पीपल्स के प्रति, वो जो है आंसर देंगे किनको, पीपल्स के जो लोग हैं उनको, एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर्स को। देन जो जुडिशरी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी को जवाब नहीं देगा, है ना। हमारे यहाँ जो कोर्ट जो सिस्टम है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। सो ये जो हमारा जो डिफरेंट जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म्स है उसकी हम बात करते हैं। देन यहीं पर ही हमें नाउ यूर फैक्ट्स में जो चीज मिलता है कि वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। एज नोटेड अर्लियर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैड टू फॉर्म्स। रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी वहां पर डिफरेंट टू फॉर्म्स होते हैं, एक जो होता है आपका पार्लियामेंट्री और एक जो होता है आपका प्रेसिडेंटरी फॉर्म। जैसे आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स में है वो देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री और जो हमारा जो प्रेसिडेंटरी जो फॉर्म्स होता है, जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स में क्या होता है, तो यहां पर जो सेपरेशन है वो पावर का होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो हेड होते हैं। बट जो प्रेसिडेंटरी जो फॉर्म्स है, जैसे यहां पर इन इंडिया वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज वी फाउंड इट मोर बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री इन द प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज अ प्रेसिडेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म्स है वहां पर क्या होता है कि जो उनके जो लीडर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बट प्रेसिडेंसी फॉर्म में जो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट है वो उनको इलेक्ट करते हैं। सो ये कुछ जो डिफरेंसेस आपके जो पार्लियामेंट्री फॉर्म और जो प्रेसिडेंटरी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। So, यहां पर बेटा जो ये जो डिफरेंट जो हमारा जो आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो यहां पर कंप्लीट कर हमने डिस्कस कर लिया। इन केस आपको कोई भी जो पॉइंट्स है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी जाकर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो आपका जो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है, आपके जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए गए, जहां पर आपको आई बटन आपको ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है उसको आप जाकर क्लिक कीजिए, और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन के आंसर है आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो ओके बेटा, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कुछ डाउट्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।